हेलो गाइस, बिग बॉस OTT 3 के घर के अंदर इस टाइम लाइव में क्या चल रहा है? जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आ रहा है, चलिए घर में कुछ इंटरेस्टिंग सा हो रहा है, घमासान बढ़ता जा रहा है, ये लोग सीरियस हो रहे हैं जैसे जैसे इन पर एलिमिनेशन की तलवार लटकती जा रही है। एक्चुअली घर में एक टास्क चल रहा है हेड ऑफ द हाउस के लिए। तो गाइज यहाँ पर शिवानी कुमारी जो हैं वो रेफरी बनी हुई हैं, यानी संचालक हैं। अब संचालक का तो काम आप जानते ही हैं, अगर संचालक दिमाग लगा के टास्क को जज कर दे ना, दिमाग लगा के संचालन कर दे, तो वो जिसे चाहे उसे जितवा सकता है। जी हाँ, ये हम पहले बखूबी देख चुके हैं कई सीजन्स में। फेयर वेयर कुछ नहीं होता है, नियम से खेलना आना चाहिए बस, मतलब जो उनके रूल्स होते हैं ना, रूल्स से खेलना आना चाहिए। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं आता, ये सच है। लेकिन यहाँ मज़ा ये आया कि शिवानी कुमारी ने जो कृतिका मलिक को रोस्ट किया है ना, सच में एक बात है, ये अरमान मलिक और यहाँ पे कृतिका को जो मतलब उनकी सच्चाई दिखा सकते हैं ना, ये शिवानी ही है। इसने पहले भी इनकी वीकेंड के वार पर पायल के सामने, जो पायल अपने आप को ज़्यादा अच्छा बनना चाह रही थी कि शिवानी तुमने ये कर दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, वहीं पोल खोल दी कि दीदी आप तो क्या कहते हैं, भैया ने तो एक छोटे बच्चे के दूध के लिए मना कर दिया था कि जब खुद मतलब इंजाम नहीं कर सकते तो मेरे बलबूते क्यों आए हैं, जबकि शादी आपकी ही थी। और भाई बहुत बुरा मतलब ये करती है रोस्ट, यहाँ पे खूब जमकर गाली गलौच हुई है, तू तड़ाक से बात हुई है, कहती है बाहर हो गई रेस से तो कुछ भी बोलेगी, तुझे कुछ तो आता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। शिवानी ने खूब खरी खोटी सुनाई है। एक्चुअली थर्ड राउंड में ना ये कृतिका मलिक बाहर हो जाती है घर से, उससे हेड ऑफ द हाउस की रेस से। हर राउंड में एक बाहर हो रहा है, शिवानी पहले ही बाहर हो चुकी है, तो इसीलिए वो संचालक बनी हुई है। यहाँ पे कृतिका आरोप लगाती है शिवानी पे कि ना वो अपने दोस्तों को जिताने के लिए अरमान के बंदों को बार बार बाहर निकाल रही है रेस से। वहीं काफ़ी शब्द तो ऐसे बोले गए कि बिग बॉस को म्यूट करने पड़े। एक्चुअली बिग बॉस ना इनके फेवर में बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे ही इन पे कुछ आता है ना म्यूट कर देते हैं वर्ड्स को, और इनके बारे में कोई बाहर की बात भी नहीं कर सकता है ना। जैसे ही अदनान ने बोला था, अदनान को घर से ही जाना पड़ा। कृतिका बोलते तू दोस्ती के लायक नहीं है, तू भाभी बोलती है, तू बहन बनाने के लायक नहीं है। वहीं शिवानी की तरफ से भी जवाब आते हैं कि भाई तुम्हारे घर कौन आना चाहेगा, ना कोई तुम्हें बुलाना चाहेगा। खैर पति चोर को कौन बुलाना चाहेगा।